अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद नसीर और आप देख रहे हैं शाहिद फूड सीक्रेट्स। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को मेरी लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार रेसिपी लेकर आया हूं। यह है उड़द कीमे की रेसिपी, माश की दाल जो साबुत होती है गोल वाली, उसकी रेसिपी है कीमे के अंदर। तो शुरू करते हैं अपनी आज की आसान रेसिपी। तो एक पाव दाल ली है हमने, दाल को हमने पानी से वॉश करके अच्छी तरह तो इसमें चढ़ा दिया है, प्रेशर में फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अभी इसमें हम 1 टेबल स्पून डालेंगे नमक, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च और इसको 15 मिनट का हमने लगाया है प्रेशर। तो ये दाल हमारी बॉईल हो गई है, बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है आपस में। तो इस दाल को हम एक अलग पतीली के अंदर निकाल लेंगे और प्रेशर अपना फारी कर लेंगे। तो कीमा लिया है हमने, कीमा है 3 पाव कीमा है, मोटा कीमा लेना है, ये बारीक नहीं लेना। धनिया पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर है, हल्दी है, नमक है और प्याज ली है 1 अदद बड़ी हमने, और टमाटर लिए हैं 2 छोटे और अदरक लहसुन लिया है। कीमे को डाला है हमने प्रेशर में और ये खुश्क मसाला जात भी हमने डाल दिए हैं इसके अंदर और ये सब्ज़ी मसाले भी डाल दिए हैं इसके अंदर। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको प्रेशर लगाएंगे, तकरीबन 10 मिनट का हमने इसको प्रेशर लगाया है ताकि हमारे टमाटर और प्याज ये सॉफ्ट हो जाएं। तो अभी इसको मेल्ट कर लेते हैं और भुनाई करते हैं कीमे की बहुत अच्छे तरीके से। प्याज और टमाटर जब तक गायब नहीं होते इसको भुनाई करते रहेंगे हम। तो ये पानी खुशक हो चुका है हमारा, अब इसमें हम ऑयल डाल के भुनाई करेंगे कीमे को। कीमे को अच्छे से भून लेंगे ऑयल के अंदर। तो ये कीमे की भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छे से और ये जो दाल हमने अलग करी थी इसको कीमे के अंदर कर देंगे हम मिक्स। तो ये दाल हमने मिक्स कर दी है, चम्मच से भी इसको मिक्स कर देते हैं दाल को और 5 मिनट के लिए हमने इसको दम लगा दिया था थोड़ा सा पानी डाल के ताकि तमाम अज्जा आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये दाल हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको डिश आउट कर लेते हैं। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को मेरी लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। वाइट राइस हमने साथ में बनाए हैं, इसके चावल बॉयल करे हैं, बहुत मज़ा आता है चावलों के साथ इसको खाने का और अचार इसका मज़ा और भी दुबला कर देता है साथ में। तो ये थी हमारी आज की आसान रेसिपी। अपने हो शाहिन सीर को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद अली रज़ा से भी इसका रिव्यू लेते हैं। दाल तो वाकई बड़े मज़े की बनी है, खा के मज़ा ही आ गया। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब में फायदा चैनल।